आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूं अमेजन ऐप के बारे में। अगर गाइज आप अमेजन ऐप से अपना रिफंड वाले गाइज यहां पे पैसे को लेने के लिए बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें कि मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गाइज आप यहाँ पर रिफंड वाले गाइज यहाँ पर अमाउंट को लेने के लिए अपना बैंक अकाउंट कैसे चेंज करेंगे। और इस वीडियो में गाइज अभी मैं आपके सामने बैंक अकाउंट को चेंज करके दिखाऊँगा और सारे स्टेप्स को गाइज आप पे फॉलो करके दिखाऊंगा। तो अगर आप भी अपने अमेजन ऐप में रिफंड वाले पैसे लेने के लिए बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अमेजन ऐप को ओपन करना है। जैसे यहाँ पर अमेजन ऐप पहली बार ओपन करेंगे तो आपके सामने गए यहाँ पे अमेजन ऐप का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर गए। यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे गए यहाँ पे आपको यू वाला एक ऑप्शन दिखेगा। सिंपल गए यहाँ पे यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो उसके लिए गए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है योर ऑर्डर का। तो सिंपल गए आप यहाँ पे योर ऑर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें से गए आपको यहाँ पे जो भी गए यहाँ पे ऑर्डर को गए आपको यहाँ पे कैंसिल करना है, गए आपको रिफंड लेना है या गए आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट करना है। जैसे गए यहाँ पे मुझे गए यहाँ पे इस वाले मुझे गए यहाँ पे बुक को मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है। सिंपल गए यहाँ पे आप इस वाले बुक पे एंटर करेंगे, आपको जो भी करना हो आप उस वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे। तो उसके बाद गए यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अगर गए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है रिटर्न आइटम। तो सिंपल गए यहाँ पे रिटर्न आइटम वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे गए आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मेरे केस में गए यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे इस वाले बुक को मैंने यहाँ पे किया था ऑर्डर, लेकिन मेरे पास गए यहाँ पे डिफरेंट बुक आ गया था, मेरे पास गए यहाँ पे सेम बुक नहीं आया था। तो इसलिए गए मैं यहाँ पे इसे गए मैं क्या करूँगा, मैं इसे गए यहाँ पे रिटर्न करूँगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसमें जगह आपको जो भी ऑप्शन गए वो चूज करें। जैसे मेरे गए यहाँ पे केस में यहाँ पे रॉन्ग आइटम मेरे पास गए यहाँ पे रिसीव हुआ, यानी मेरे पास रॉन्ग बुक रिसीव हुआ है। सिंपल गए आप यहाँ पे रॉन्ग आइटम रिसीव पे जैसे गए आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद फिर गए यहाँ पे एक और गए यहाँ पे आपसे पूछेगा, तो इसमें से फिर गए आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। तो मेरे पास जो गए यहाँ पे है मेरे पास जो गए दिक्कत हुआ वो गए यहाँ पे रिसीव ए डिफरेंट बुक, यानी मेरे पास गए यहाँ पे दूसरा बुक मेरे पास गए यहाँ पे रिसीव हुआ। सिंपल गए आप इस वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे उसके बाद गए आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस गए यहाँ पे आ जाएगा। और गए यहाँ पे क्या होता है गए यहाँ पे कभी कभी गए यहाँ पे अमेजन ऐप से गए आप यहाँ पे रिटर्न करते हैं गए आपको जो है गए यहाँ पे फोटो गए यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो मेरे केस में गए यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, सिंपल गए यहाँ पे कैमरा वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे और यहाँ पे गए आपका कैमरा ओपन होगा। यहाँ पे सिंपल गए आप यहाँ पे अपने सामान का फोटो खींचेंगे उसके बाद गए यहाँ पे आपको ओके वाला ऑप्शन दिखेगा। सिंपल गए यहाँ पे ओके गए यहाँ पे आप कर देंगे। तो जैसे गए आप यहाँ पे ओके करेंगे तो गए यहाँ पे देखेंगे जो मैंने गए यहाँ पे अभी फोटो मैंने यहाँ पे लिया वो फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे गए आपको कॉमेंट में लिखना है। गए जैसे कि मेरे केस में गए यहाँ पे डिफरेंट बुक है मैंने लिख दिया, तो आपके केस में गए यहाँ पे जो भी गए दिक्कत हो गई यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद गए यहाँ पे आपको नीचे में दिखेगा कंटिन्यू, तो सिंपल गए यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे। जैसे गए यहाँ पे सारा गए यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू करेंगे, अब यहीं पे गए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जो कि गए यहाँ पे आप देखेंगे गए यहाँ पे आपको रिफंड लेने के लिए गए यहाँ पे आपको रिफंड लेने के लिए गए यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि पहला ऑप्शन है रिफंड टू अमेजन पे बैलेंस और गए यहाँ पे दूसरा है रिफंड टू योर बैंक अकाउंट। तो गए यहाँ पे अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो गए यहाँ पे जैसे सामान लेकर आपके घर से जाएगा तुरंत पैसे गए यहाँ पे चले आता अप टू 4 आवर के अंदर। और गए यहाँ बैंक अकाउंट ऑप्शन करेंगे तो गए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे गए यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट गए यहाँ पे चेंज करना है तो सिंपल गए यहाँ पे क्या दिक्कत होता है गए यहाँ पे कुछ लोग का जो गए यहाँ पे है कि गए उनका जो गए यहाँ पे है बैंक अकाउंट पहले से लिंक होता है। तो सिंपल जैसे गए आप यहाँ पे जो गए यहाँ पे आप बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे चूज करेंगे तो आपको बैंक दिख जाएगा और यहीं पर आपको नीचे में गए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा चेंज बैंक अकाउंट का। गए मेरे केस में क्या हुआ गए मैंने जो गए यहाँ पे है अमेजन पे वाले ऑप्शन को गए मैंने यहाँ पे चूज किया। उसके बाद गए यहाँ पे आप देखेंगे गए यहाँ पे आप मेरे सामने गए यहाँ पे टर्म कंडीशन को टिक करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद गए यहाँ पे कंटिन्यू करने को बोल रहा है। गए आप लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले गए ऑप्शन चूज करेंगे उसके गए आप यहाँ पे चेंज बैंक अकाउंट करेंगे उसके गए यहाँ पे बैंक का गए यहाँ पे आपको सारे डिटेल फिल करना है
जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपका नाम। उसके बाद गाइस यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे गाइस यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आपके सामने गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और सिंपल गाइस यहाँ पे आपको बता देगा गाइस यहाँ पे आपके पास गाइस यहाँ पे अगले दिन गाइस यहाँ पे लेने के लिए आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपको लेने का कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। और सिंपल गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए जहाँ पे कन्फर्म योर गाइस यहाँ पे रिटर्न। जैसे गाइस यहाँ पे कन्फर्म योर गाइस यहाँ पे रिटर्न करेंगे, उसके गाइस यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा गाइस आप यहाँ पे ऊपर करेंगे। गाइस यहाँ पे ऊपर करने के बाद गाइस यहाँ पे आप गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने गाइस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। गाइस यहाँ पे आपको दिखेगा गाइस यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिखेगा गाइस यहाँ पे रिटर्न समरी। और यहाँ पे गाइस आपको कंटिन्यू शॉपिंग देखने को मिलेगा। और कंटिन्यू शॉपिंग गाइस यहाँ पे करेंगे तो गाइस आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा अमेज़न का। और गाइस आपका जो गाइस यहाँ पे है आपका बैंक अकाउंट चेंज हो चुका होगा, जैसे गाइस आपके घर से गाइस यहाँ पे सामान लेकर जाएगा, रिफंड आपके उस बैंक अकाउंट में आ जाएगा जिस बैंक को गाइस आपने चूज किया हुआ है। तो वीडियो गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।